विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित नारद जयंती के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय जी त्रिवेदी, श्री अजय जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों के लिए आद्य पत्रकार देवर्षि नायक के चरणों में मैं मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ। नारद जी आद्य पत्रकार थे, संवाददाता थे, एक जगह से संवाद दूसरी जगह पहुंचाते थे, तीनों लोकों में उनका संचार था। देव दानव दोनों लोगों का उन पर विश्वास था, उनको सबके अंतःपुर तक खुला प्रवेश रहता था, सारे जानकारी इकट्ठा करते थे और उनके सारे क्रियाकलापों का उद्देश्य मुख्यतः लोक मंगल यही होता था। यह विषय दिया विश्व पटल पर भारत और मीडिया की भूमिका, दो भाग हो गए इस विषय के। तो विश्व पटल में भारत की भूमिका की तो बात हम बाद में करें, भारत को समझना आवश्यक है कि भारत की विशेषता क्या है, हाउ भारत इज डिफरेंट डिस्टिंक्ट इन द वर्ल्ड देन ऑल अदर कंट्रीज, तो फिर अपनी भूमिका ध्यान में आएगी। तो सबसे भारत की जो डिस्टिंक्टनेस है, विशेषता है, वह भारत की जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है, उसका आधार स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता है, यह भारत को अलग करता है। इसलिए दुनिया की विश्व दृष्टि और भारत की विश्व दृष्टि, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक फ्रिट्ज़ कापरा नाम के एक पार्टिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके विशेषज्ञ ऐसे अमेरिका बेस्ड थे, उनकी कई बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, उसके एक पुस्तक में वो लिख, थोड़ा कोट करूंगा मैं, यानी अमेरिका के बेस्ड जाने माने ऐसे पार्टिकल फिजिसिस्ट, उनकी कई पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है, वो लिखते हैं द पैराडाइम दैट इज नाउ रिसीडिंग हैज डोमिनेटेड अवर कल्चर फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, यानी अमेरिका के बारे में कह रहे, पश्चिम के बारे में कह रहे, ड्यूरिंग विच इट हैज शेप्ड अवर मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी एंड हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस पैराडाइम, पश्चिम का पैराडाइम का वर्णन कर रहे हो, दिस पैराडाइम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंट्रेंच्ड आइडियाज एंड वैल्यूज, अमंग देम द व्यू ऑफ यूनिवर्स एज ए मैकेनिकल सिस्टम कंपोज ऑफ एलिमेंट्री ब्लॉक्स, व्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन, द व्यू ऑफ लाइफ इन सोसाइटी एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बिलीव इन अनलिमिटेड मटेरियल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट द बिलीव दैट अ सोसाइटी इन विच द फीमेल इज एवरीवेयर सब्ज्यूम्ड अंडर द मेल is one that follows a basic law of nature. These entire assumptions have been faithfully challenged by recent events, and indeed a revision of them is occurring. Ab naya paradigm ka varnan wo kar rahe hain. The new paradigm may be called a holistic worldview, seeing the world as an integrated whole rather than dissociated collection of parts. It may be called an ecological view if the term ecological is used in a much broader and deeper sense than usual. Deep ecological awareness recognizes the fundamental interdependence of all phenomena and the fact that as individuals and societies, we are all embedded in and ultimately depend on the cyclic process of nature. Ultimately, deep ecological awareness is spiritual or religious awareness. When the concept of the human spirit understood as the mode of consciousness in which the individual feels a sense of belonging, of connectedness to the cosmos as a whole, it becomes clear that the ecological awareness is spiritual in its deepest essence. It is therefore not surprising that the emerging new vision of reality based on deep ecological awareness is consistent with the so-called
पेरेनियल फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। अब दुनिया का पैराडाइम भारत की तरफ आ रहा है, ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की भारत की विशेषता को समझने की आवश्यकता है। एंड दिस स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वे ऑफ लाइफ हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत। इसकी तीन मुख्य बातें हैं। आपको लगता होगा कि मीडिया की बात में ये कहां से अध्यात्म आ गया, लेकिन विषय पर भारत का उल्लेख किया इसलिए मैं भारत पर बोलना वाला हूं, फिर मीडिया पर बात आएगी बाद में, वो रोल छोटा है बहुत। एक बार भारत को समझेंगे, हमारे भारत का संबंध को समझेंगे, अपने आप कई बातें क्लियर हो सकती है। पहली बात यह कि स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ होने के कारण वी सी द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, संबंध आपसा है, जुड़ी हुई है। और भारत की जो पर्सनैलिटी में उसका पहला हिस्सा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर जो भी आप नाम देंगे एक है। लर्नेड पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, इट कैन बी रीच बाय डिफरेंट पाथ्स, ऑल आर इक्वल। टॉलरेंस वगैरह की बात हम लोग करते कई बार, टॉलरेंस शब्द भी इनटॉलरेंस है। जब मैं कहता हूँ मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है लेकिन मारूंगा नहीं, इट डजंट लुक गुड इजंट इट, थोड़ा कूल दिखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो स्पीच में कहा था, जहां लोग ज्यादातर लोग बड़ी बात लिबरल फेस वाले, लेट अस टॉलरेट अदर्स टिल दे गेट कन्वर्टेड, इसी मूड में थे। उन्होंने कहा वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू, सबका स्वीकार, ये भारत की बात है, सहिष्णुता से आगे भारत है। आगे उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन, बिकॉज वी डोंट एक्सक्लूड वी एंड अदर्स, ये भारत का विचार नहीं है। ये जो अदराइजेशन है ये सेमिटिक थॉट का मूल है, भारतीय विचार इंटीग्रल है, सबका सोचता है। दूसरी विशेषता है यूनिट इन डाइवर्सिटी एंड टू एस्टेब्लिश यूनिट अमंगस्ट वेराइटी इज द कोर धर्म ऑफ भारत। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म धर्म है। इसलिए भारत विविधता को भेद नहीं मानता, ये रविन्द्रनाथ टागोर का वाक्य है, और पराय को दुश्मन नहीं समझता। नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे, उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको प्रिजर्व कायम करते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। अब भारत का वर्णन कई बार लोग ऐसा करते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सही नहीं है आश्चर्य, वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स। सही बात यह है इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, तो विविधता का उत्सव मनाने की हमारी संस्कृति एक ही है जिसका आधार आध्यात्मिकता है, ये समझने की बात है। तीसरी विशेषता है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। ये व्यक्ति शब्द जेंडर स्पेसिफिक नहीं, स्त्री पुरुष दोनों में यह डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है, यह केवल भारत मानता है दुनिया में और कोई नहीं मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके लिए मार्ग बताए वर्क वर्शिप कर्मयोग भक्ति योग साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन ध्यान योग राजयोग। ये भारत के बाहर होता तो बी एक्सक्लूसिव कहते, एक को टच किया दूसरे को आप स्पर्श नहीं कर सकते, ये भारत ही है। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने, चार में से कोई भी एक लो या दो लो या तीन लो या चारों लो, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। तो मेरा खुद का अगर मुक्ति की तरफ जाने का मेरा मार्ग, मेरी उपासना, उपासना इज रिलीजन, मेरी उपासना अगर 50% कर्मयोग 30% भक्ति योग बाकी तो 10% है, मेरी बहन का अलग होगा, मेरे भाई का अलग होगा। जैसे एक परिवार में चार लोग हैं, मीठा पसंद आता है कि
किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को शारीरिक में इंटरेस्ट है, कोई बौद्धिक में, कोई संगीत कला में, ऐसे विविध होते हैं। उसी तरह रुचि प्रकृति के अनुसार वन पर्सन कैन चूज हिज और हर ओन उपासना। इसलिए हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम रहा है टू चूज द रिलीजन, उपासना चुनने का स्वातंत्र रहा है। इसलिए पहले से हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। तो ये जो एक भारत की विशेषता है, और इसलिए और भारत की दूसरी विशेषता ऐसी है कि वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर भारतीय ट्रेडिशन, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अपने स्वदेशी समाज नाम के पुस्तक में। हम सब ने पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए ऐसा लगता है। ये पश्चिम की कल्पना थी, सारी बातें स्टेट पर डिपेंडेंट रहेगी। उन्होंने व्याख्या बताई है, वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट है वह स्वदेशी समाज है। डिफेंस, जुडिशरी, फॉरन अफेयर्स, तीन विभाग छोड़कर बाकी सारे विषय समाज की अपनी खुद की व्यवस्थाएं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, कला, व्यापार, इसके समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है तंबू धराशायी होता है। चार पांच खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, इट विल गेट डी शेप बट इट वॉन्ट कम डाउन। उसे अंदर से फिर से खड़ा करने की सुविधा रहती है, वी हैड दैट प्रोविजन। हमारे यहाँ समाज को राष्ट्र कहा है, अंग्रेजी का नेशन अलग है, वो स्टेट नेशन है। ये समाज का राष्ट्र है, ये राष्ट्र राज्य पर कभी अवलंबित नहीं था। राजा पराजित हुए, परकियों का राज्य आया, समाज की अपनी व्यवस्थाएं चलती रही। एक खंभा टूटा था, बाकी खड़े थे, इसलिए कंटिन्यूम चलता रहा, उसको फिर से ठीक कर रह गया। तो समाज नाम का स्वतंत्र अस्तित्व हमारे यहाँ है। जैसे पश्चिम का चिंतन मानता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज इंडिविजुअल, वहाँ समाज व्यक्तियों का बना है। भारतीय चिंतन कहता है वह परिवारों का बना है। तो परिवार बनाने में, रखने में, आगे बढ़ाने में हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। मैं को हम के तरफ आगे बढ़ाने की जो दिशा है, मोक्ष मतलब क्या है, ओपन योर आईज एंड क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो देन द सर्कमफेरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स, जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं, उनके लिए करने का मन होता है अपनेपन से, वह करते हैं। इसको हमारे यहाँ धर्म का है, नॉट रिलीजन। समाज को देना चैरिटी है, समाज को लौटाना धर्म है। इसलिए मेरे लिए मकान बना, मेरा मकान हुआ, लोगों के लिए बनाया, उसको धर्मशाला कहते हैं। धर्मार्थ दवाखाना होता है, गर्मी के दिनों में पानी की प्याऊ चलते हैं। एंड धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, धर्म भेदभाव नहीं करता है, धर्म सबको जोड़ता है, सबको साथ रखता है, सबको बांधे रखता है। इसलिए धर्म की एक व्याख्या हमारे यहाँ की है, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। तो समाज का स्वतंत्र अस्तित्व एक अलग है। इसका ताजा उदाहरण ये पैंडेमिक जो भी हुआ, सारे दुनिया में हुआ, दुनिया में भारत के सिवाय सभी देशों में, इट वॉज द स्टेट मशीनरी एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग एक्टिव टू सेव एंड सर्व पीपल। भारत में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, अपनी जान भी गंवाई है, इसलिए उनको कोरोना वॉरियर्स कहना अत्यंत सार्थक है। परंतु वो तो उनकी ड्यूटी थी, दे वर पेड फॉर इट। कुछ होता है कुछ गलत तो कॉम्पेंसेशन की व्यवस्था थी, वो तो किया ही, दे वेंट बियॉन्ड दैट। परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जहां पर समाज का बहुत बड़ा वर्ग खुलकर बाहर आया है। ऐसा भारत के बाहर कहीं नहीं हुआ है। एक दो देशों में जानकर मिले, एक समाज भी बाहर आया था सेवा करने के लिए, वो यहां से गए हुए भारतीय ही थे। क्या कारण होगा? और बाढ़ या भूकंप के बाद जाकर सेवा करना इज डिफरेंट। जब कोरोना वायरस है, सीवियर है, इन्फेक्शस है, मुझे होने की पूर्ण संभावना है, मेरी जान खतरे में, यह जानते हुए भी
लाखों लोग बाहर निकले हैं, संघ के स्वयंसेवक 5.5 लाख स्वयंसेवक बाहर निकले हैं, महिला निकली, युवतियां निकली है, समाज का बड़ा वर्ग निकला है, गुरुद्वारा मंदिर वहां के लोग निकले हैं। क्यों निकले, क्या संबंध है? तो समाज का एक आपस का ताना बाना है, समाज की एक स्वतंत्र अपनी व्यवस्था है, एक स्वतंत्र जीवंत इकाई है राष्ट्र के नाते। ये ताना बाना एक दिन में नहीं बनता है, कौन जाएगा? यानी एक 15 लोग ग्रुप काम कर रहा है, कोरोना में देखा हमने, 2 को इन्फेक्शन हुआ, 1 की डेथ हुई, बाकी लोगों ने काम करना बंद नहीं किया है, घर में नहीं बैठे हैं, क्या कारण होगा? तो ये समाज का आपस का ताना बाना ये एक दिन में नहीं बनते, पीढ़ियां लग जाती है, पीढ़ियां खप जाती है, अनेक संतों के जीवन स्वाहा हो जाते वो बना है, और हम समाज के अंग है, वयम राष्ट्रांग होता है। ये जितने लोगों ने काम किया, केवल स्वयंसेवक नहीं, तो एक मेरी परिचित पत्रकार है, छत्तीसगढ़ में भिलाई में रहती है, अब आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात से लाखों माइग्रेंट वर्कर्स बिहार झारखंड तरफ जा रहे थे, और कोई चारा नहीं था, नो ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट भी नहीं, पैदल ही जा रहे थे, कितना दूर है, तो छत्तीसगढ़ होकर भिलाई होकर जा रहे थे, इनके घर के सामने से नहीं गुजर रहे थे, एक 12वीं पास तक योगी महिला, 4 बेटियां उनकी है, 2 की शादी हो गई है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन टीवी पर देखा, अखबार पढ़ा, भिलाई से जा रहे हैं, भिलाई मेरा शहर है, हमें कुछ करना चाहिए, वास्तव में इसकी ड्यूटी है, और लाखों लोगों के लिए क्या कर सकती है, बट नथिंग कुड स्टॉप हर। उसने अपने तीन पड़ोसन बहनों से बात की, 4 महिलाओं ने एक दिन 250 लोगों का भोजन बनाकर, 250 फूड पैकेट बनाकर वहां दूर जाकर बांट कर आए। उनकी बेटी पत्रकार नहीं होती तो फोटो भी नहीं लेते वो। दिस इज द कनेक्शन, वयम राष्ट्रांग होता है। तो समाज को गढ़ने में, ऐसा गढ़ने में जो भारत की विशेषता है, पीढ़ियां लग जाती है, हम भी उसके अंगभूत घटक है, ये समझेंगे अपने आप हमने क्या करना क्या नहीं करना ध्यान में आएगा। समाज हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, मेरा अपना समाज है। तो सत्यापन करेंगे, गलत हो रहा है खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन बोलते से वो ध्यान में रखना चाहिए कि अन्याय का प्रतिकार हो, कहीं आदमी गाफिल है वो भी समझ जाए, क्योंकि समाज का ताना बाना बिखरे नहीं, उधड़े नहीं, इसका भी ध्यान साथ साथ रखना है, ये महत्व की बात है। 2 घटना बताऊंगा। एक बार दक्षिण भारत में जिस अंग्रेजी अखबार का बहुत ज्यादा प्रसार है, वहां पर विजयवाड़ा से एक न्यूज छपी, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ अधिवेशन था, एक कॉमरेड की कॉमरेड बेटी ने वहां पर अनाउंस किया भाषण में कि RSS के लोग नाथुराम गोडसे की जन्म शताब्दी मनाने वाली है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को संघ का प्रोग्राम अनाउंस करने का अधिकार नहीं, वास्तव में उन्होंने बोल दिया, तो पत्रकार का धर्म, अगर कम्युनिस्ट लोग धर्मों को मानते होंगे तो यह होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अनुभव को पूछते, ऐसा उन्होंने कहा है, आप क्या क्या मत, मुझे कई लोग फोन करते हैं। उसके बदले 3 कॉलम में न्यूज छप गई, इसमें सत्य कहां है? उसने बोला वो सत्य है, लेकिन उसके पीछे आधार क्या, संदर्भ क्या? तो जो वहां के स्वयंसेवकों ने प्रेस काउंसिल में कंप्लेंट की, तो उस अखबार को संघ का स्पष्टीकरण छापना पड़ा। ये सब टाला जा सकता है कि नहीं? किसी के बोलने पर हम पर प्रतिबंध नहीं है, हमने क्या कॉग्निशंस लेना, उसका सत्यापन करना, दूसरा पक्ष भी रखना, ये तो कम से कम करना चाहिए। एक बार हरियाणा के एक गांव में, वहां पर होली के कार्यक्रम में दलितों को होली के कार्यक्रम में सेलिब्रेशन में भाग लेने से मना कर दिया, ऐसा है कि अखबार
एक उत्तर भारत में छपने वाले अंग्रेजी अखबार में आया। हमारे हमारे कार्यकर्ता को भेजा उसका, मैं क्या जरा देखिए। तो सभी जाति के लोग होली के कार्यक्रम मना रहे थे, केवल चार युवक दारू पीकर आए थे, वहां पर हुड़दंग मचा रहे थे, कुछ मिसचीफ कर रहे थे, उनको केवल दूर रखा था। वो चारों शेड्यूल कास्ट के, ये बात सही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के उस गांव के बाकी सारे लोग सहभागी हो रहे थे। ये चारों को रोका गया था, नॉट बिकॉज दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वो दारू पीकर वहां हुड़दंग मचा रहे थे। इसलिए तो गाँव के सरपंच के नाम से फिर ये क्या सही हुआ है? ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दिया गया। तो समाज का आपसी ताना बाना को मुझे बिगाड़ना है, सुधारना। अगर सही में कुछ हुआ है, यानी अपने देश में दुर्दैव से ऐसा कभी कभी होता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, लेकिन एक बार देखें सही क्या है। मैं जब यूएस में था, जैसे पहुंचा था, एक समाचार मैंने देखा वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में। एक गारमेंट का बड़ा व्यापारी था, उसके खूब ऐसे प्रोडक्ट चलते थे। उसने गन, तो तरह तरह के रिवॉल्वर्स गन के चित्र छाती पर लगे हुए और पीछे पीठ पर GUN ऐसे बड़े अक्षर में ऐसे टी शर्ट बनाए, जो टीनेजर में खूब पॉपुलर हुए। इसने खूब कमाई की, लगातार कमा रहा था। जब पेरेंट्स के ध्यान में आए कि अपने बच्चे ज्यादा हिंसक हो रहे हैं, देवर वरी, और उन्होंने इस गारमेंट मैन्युफैक्चरर के सामने आकर कहा कि प्लीज ये गन टी शर्ट विड्रॉ कीजिए, हमारे हमारे बच्चों के मन पर उसका असर हो रहा है, उसकी कमाई हो रही थी, इसलिए उसने रिफ्यूज किया, ध्यान ही नहीं दिया। ये सारा वहां के अखबार में छपा था। फिर सब लोगों ने मिलकर इसके गारमेंट के कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार करने का निर्णय किया। तब इसको लेगा अब तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। देन ही एग्रीड टू विड्रॉ दिस गन टी शर्ट्स। तो वहां के पत्रकार ने उसको पूछा कि आपके ध्यान में ये बात नहीं है क्या कि यहाँ का युवा अधिक हिंसक हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, तो आपने ये पहले विड्रॉ करने चाहिए। उसका जो उत्तर छपा था, उत्तर बहुत माननीय है। उसने कहा, लुक आई एम हियर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी एंड नॉट इन द बिजनेस ऑफ मॉरलिटी। तो समाज संसाधन नहीं है, मेरा है, मैं उसका अंगभूत घटक हूँ। ये सतत जागृति मन में रहेगी, जिस जागृति से लाखों लोगों ने कोरोना में अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा की है। हमें तो रिपोर्टिंग करना है केवल, कोई जान खतरे में नहीं डालनी है। ये अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। इसे भारत की ये जो विशेषता है उसको लेकर, जब गुजरात में भूकंप आया था, मैं वहां का प्रांत प्रचारक था, वहां के कच्छ मित्र में एक क्षण में सारा एकदम उध्वस्त हो गया था। बड़े बड़े ऊंचे मकान, जिंदगी की कमाई यहां पर लगाई है, वहां पर मलबे का ढेर बन गया था। रोने वाले, हताश हुए ऐसे लोग भी होंगे, उनको भी दिखा सकते थे, लेकिन कच्छ मित्र के फोटोग्राफर ने एक क्षण में जिसके मकान का एकदम मलबा पूर्ण हो गया है, कुछ घर के लोग मृत्यु भी हुए होंगे, एक बूढ़ा आदमी पकड़ी, जो कच्ची आदमी है, उसको चित्र खड़ा। अब उसके कुछ कच्ची व्यक्ति जो बुजुर्ग है, उसके मन में क्या चलता होगा पता नहीं, लेकिन समाज में एक आशा बंधाने के लिए इस फोटोग्राफर ने जो कैप्शन दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राष्ट्रांग होता का लक्षण है। मुझे डिवास्टेशन भी रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या हुआ ये भी कहना है, लेकिन एक दिशा देनी है। वो केवल खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी, सारे जीवन की कमाई का सारा यहाँ पर मलबा होकर सामने रखा था। ये वाक्य देता है, तेरी ताकत देखे कुदरत, अब तू मेरी ताकत देख। और कच्चा खड़ा हुआ। तो ये समाज मेरा केवल रिसोर्स नहीं है, मैं उसका अंगभूत घटक हूं। और ये समाज का ताना बाना गढ़ते रहने का काम मुझे भी करना, वो चार लोगों का काम नहीं है, प्रत्येक परिवार का, महिला का, जो काम न करने वाली है, हर घर की माँ है, बहन है, हर व्यक्ति का इस समाज की इस ताने बाने को गढ़ने में कंट्रीब्यूशन है। और जो
कम पड़े हैं, वे भी इतना मेहनत करते हुए इस समाज को गढ़ने का काम कर रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास एक साधन है, हमारा समाचार तुरंत सुदूर गांव तक पहुंचने वाला है। तब ने कहा है कि वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, हम समाज के पुरोहित हैं, हमको अधिक जागृति पूर्वक हमारा काम करना चाहिए। और एक भारत की तीसरी विशेषता जो मैंने बताई वह है कि भारत में भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को एक साथ साधने को ही धर्म कहा है। यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म। ईशावासी उपनिषद में 9वें श्लोक में कहा, हमारे यहाँ जो भौतिक समृद्धि के लिए आवश्यक विद्या है, ज्ञान है, मैंने केमिस्ट्री किया है, डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, जर्नलिज्म किया होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस सबको अविद्या कहा है। वो खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। इट इज पर्टेनिंग टू द वर्ल्डली अफेयर्स। और विद्या वह है जो मोक्ष मुक्ति का मार्ग देखे, तो उस दिशा में आपको आगे बढ़ाते, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य अंदर के देवत्व को प्रकट करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो 9वें श्लोक में कहा है, अंतम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिक समृद्धि के पीछे लगे रहते, वे गहरे अंधकार में जाते हैं। अगली पंक्ति है, और जो केवल विद्या में रत रहते हैं वे और गहरे अंधकार में जाते सका। और 11वां श्लोक है, विद्याम च अविद्याम च यः तत् उभयम् वेदः, विद्या अविद्या जिसने दोनों को जाना है, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो मेरे प्रत्येक कृत्य से यह मेरा आध्यात्मिक उन्नति तरफ जाने का एक इच्छा हो। मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा हूं समाज से जुड़कर, असली सही बातें बताकर भी मुझे मेरा आध्यात्मिक उन्नति, मैं मेरी ड्यूटी करते हुए सही तरह से ईमानदारी से कर रहा हूं, दैट विल गिव ए पुश फॉर स्पिरिचुअल एलिवेशन। और ये समाचार पढ़ने वाले को भी उसमें पीड़ा जगेगी, लेकिन समाज के लिए करने का भाव जगेगा। ये दोनों का बैलेंस एक साथ हम लोग संभाल सकते हैं। ये बात की बात इन्होंने की, क्या बात, बातें करने वाली बात की ना आपने, तो एक छोटी बात कहकर मैं मेरी बात पूर्ण करूंगा। बात बात की है, कहा कि बात ऐसी कर जिसमें कुछ दम हो, जो न शेरों से न छटाकों से मगर मन से तुले, खो न जाए गूंज कर आकाश में मन में भूले। आगे कवि कहते कविता में, जुल्म के अन्याय के पल में कभी भी चुप न रहना, चुप न सहना, जुल्म का प्रतिरोध करने के लिए बोलो बराबर, ज्वालामुखी उद्गार मुख खोलो सरासर, जोर से बोलो कि जिससे जुल्म का दिल दहल जाए, और गाफिल हो जहां भी आदमी संभल जाए। लेकिन आखिर में कहते हैं, बात में अपना वरद हृदय अपना, अपनी सच्चाई डाल कर देखो, पराया भी स्वजन हो, बात ऐसी कर जिसमें कुछ वजन हो। तो सबको जोड़ना, और इसलिए भारत में क्योंकि आध्यात्मिक आधार होने के कारण हमारे प्रत्येक कला प्रत्येक कृति के पीछे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान है ही। एक बेटी ने यहाँ पर नृत्य साधन किया, तो नटराज सरस्वती देवी यहाँ की अधिष्ठात्री है। जो विद्या के क्षेत्र में लगे हैं उनके लिए सरस्वती का अधिष्ठान है। जो मेहनत या पहलवानी करते उनके लिए भगवान मारुति का अधिष्ठान है, देवी लक्ष्मी का अधिष्ठान होता है। जो कारीगर लोग है अपने मेहनत करके काम कमा रहे, तो भगवान विश्वकर्मा का अधिष्ठान है। तो अपने भी इस पत्रकारिता के कार्य में भी एक देवी अधिष्ठान होना चाहिए, नारद तो उसका प्रतीक है। और फिर देवी अधिष्ठान होता है तो अपने आप हर कृति मुझे उस चराचर व्याप्त चैतन्य से जोड़कर मेरा आध्यात्मिक उन्नति तरफ जाने का
मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हमारे यहाँ विद्यालयों में लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त ये, संगीत कला वगैरह वहां लिखा रहता है सा कला या विमुक्त ये, वह कला है जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जाती है। और संस्कृत में संवाद को, न्यूज को वार्ता कहते हैं, इसलिए मराठी में संवाददाता को वार्ताहर कहते हैं। तो सूत्र होना चाहिए सा वार्ता या विमुक्त ये। स्पष्ट बोलेंगे जो समाज के हित में है, समाज को सावध करना है, अन्याय का विरोध करना है, जुल्म का दिल दहल जाए, इतनी कड़ी भाषा में लिखेंगे, इतने समय समाज मेरा है, मैं उसका अंग हूं, या वयं राष्ट्रांग होता का भाव रखेंगे, तो भारत की भूमिका में हमारा प्रत्येक कर्तव्य कार्य हम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि नारी जयंती के दिन अगर इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन विचार करेंगे अपने आप, क्योंकि हमारे, क्योंकि भारत की विशेषता ऐसी है, इस भारत के स्वत्व को, आत्मा को नकारने वाले लोग भी समय आने पर इस भारत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये देखा हुआ है, अंदर है पड़ा हुआ, उस पर बहुत सारी अन्य बातें सब कारण वो दब गया है, वो कभी कभार ऐसा बाहर आता है तो कुछ कह नहीं सकते, उसको कोई घटना के प्रतिक्रिया में बाहर आने के राह न देखते हुए हम स्वयं चिंतन से धीरे धीरे क्रमशः उस बात को प्रकट करते हुए अपना जो पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए, धर्म केवल अच्छी अच्छी बातें कहने का नहीं है, हमारे पिताजी भी पत्रकार थे, वो तो कहते हैं कि पत्रकार कभी सरकार का मित्र नहीं होता, ऐसे कहते थे, आलोचना होनी चाहिए, उसका एक आधार होना चाहिए, और वो करते समय भी यह बात हमेशा ध्यान रखना है वयं राष्ट्रांग होता, ये मेरा समाज है, मुझे केवल रिसोर्स के नाते इसका उपयोग नहीं करना है, जैसे वो गारमेंट व्यापारी कर रहा था, ये मेरा समाज है, यह ध्यान में रखा कर हम अपनी पत्रकारिता करेंगे तो मुझे लगता है नारद जयंती का पर्व हमने सार्थकता से मनाया, ऐसा उसका अर्थ होगा। आप सबने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका और विश्व संवाद के मुझे यहाँ कर मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।